हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, अगर आपके पास वीवो T144 वाट वाला मोबाइल है और आप उसमें जो है किसी भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो और उनको कैसे देखना है ये भी देखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर पाओगे और साथ ही साथ कैसे देखना है वो भी जान पाओगे। तो दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए यहाँ पर जो है सेटिंग्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है और एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पर चले जाना है। और सिक्योरिटी पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आप रखना चाहते हैं उसको पासवर्ड डाल लीजिए। डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर हाइड ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, हाइड ऐप पर क्लिक करना है। जैसे आप अपने हाइड ऐप पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर व्यू हिडन ऐप्स इसको इनेबल करना है। दोस्तों ध्यान रखना है, इसको सबसे पहले आपको इनेबल करना है, उसके बाद जितने भी ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हो यहाँ से इसको इनेबल करें और यहाँ पर टिक मार करके ओके करें। ओके करने के बाद जितने भी ऐप्स को आपको हाइड करना है उनको यहाँ से जो है इनेबल कर दीजिए और ये ऐप्स आपके जो है हाइड हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो फ्लिपकार्ट वगैरह सब हाइड हो चुका है। तो अगर इनको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर दो फिंगर आपको रखना है अपने होम स्क्रीन पर, ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। देखिए मैंने दो फिंगर रख दिया, ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ से आपको पासवर्ड देना पड़ेगा और पासवर्ड देने के बाद आपके हाइड हुए ऐप्स आपके सामने दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।